आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आप लोगों को अपना गांव विजिट कराऊं, तो आज मैं आप लोगों को विजिट कराऊंगी सुखवाल, जो मेरा गांव मेरे घर की छत पे है। तो आइए देखिए। यहाँ से शुरू होता है गांव का भोजन। ये कॉर्नर है स्पेसिफिक, जहाँ बच्चे या मेरी फ्रेंड्स फैमिली बैठते हैं। इसमें दो तीन पोर्शन है। यहाँ नीचे बैठ के हम खाना खाते हैं, और एक और सिटिंग पोर्शन है, वहाँ भी बैठ सकते हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे फ्रेश पुदीना है। यहाँ जब चटनी बनती है पराठों के साथ या रोटी के साथ, तो वो इसी पुदीने से बनती है। तो चटनी का सामान जब वो छत पे हम फ्रेश तोड़ते हैं, ये सारा पुदीना यहाँ से बनती है चटनी। आप अपने पौधों से बातें कर सकते हैं, जितनी अटेंशन। और ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि कोई भी गांव मंजी के बगैर अधूरा है। और ये मंजी जो है ये बहुत ही कंफर्टेबल, और ये बांस की बनी हुई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, और ये सामने अगर कुछ आपने डिस्कस करना है, और ये चूल्हे के करीब तरीन बैठने की जगह। ये है हमारे बर्तन, पूरा किचन का सामान। इसमें गुड़ की चाय बनती है, ये स्टील के बर्तन है, और ये है चाय पीने के प्याले। चाय का लुत्फ दुबाला हो जाता है इसमें चाय पीने से। थोड़ा सा नमक भी डलता है, गुड़ वाली चाय बनती है कोयलों पे। ये इसे हम पंजाबी में बिंदी कहते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मी जब खाना बनाती थी, तो इस तरह से ये चूल्हे के सराउंडिंग में रखे होते थे, उस पे हम बैठ के खाना खाते थे। तो उसी चीज को जहन में रखते हुए मैंने ये बनवा लिया। तो जब मैं खाना बना रही होती हूँ, तो मेरे बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं। ये चटनी, आप अपने पौधों से बातें कर सकते हैं, जितनी अटेंशन देंगे पौधों को उतना ग्रो करेंगे। ये है दूसरा पोर्शन। यहाँ अगर कोई नीचे ना बैठना चाहे, यहाँ बैठ के कुछ गपशप कर सकते हैं। बेसिक मकसद जो है वो कंपनी, एंजॉयमेंट, फन, अच्छा खाना पीना। खाने पीने की जगह भी मैं आपको दी। यहाँ पे ये मटर लगे हैं, अभी मैं तोड़ नहीं सकती, अभी देखते हैं अगर कोई तैयार हो। नहीं, आपने चेंज नहीं किया अभी तक। गुड आफ्टरनून। अभी और ये है वीट ग्रास। वीट ग्रास के फायदों पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर जनरल हेल्थ।